नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विमला की रसोई में। मैं फिर हाजिर हुई हूँ फलाहार की नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे समा चावल के कटलेट, जो बहुत ही टेस्टी बनेंगे और क्रिस्पी बनेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक कप लेंगे समा वाले चावल। समा वाले चावल को मैंने कपड़े से पोंछ लिया था ताकि धूल मिट्टी ना हो। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पहले हम सेक लेते हैं, क्योंकि समा वाले चावल सेकने के बाद जब इसको हम ग्राइंड करेंगे तो बहुत ही इसका बढ़िया सा पाउडर बन के तैयार हो जाएगा। तो चावल को डाल लेते हैं मिक्सी के जार में। अब देखिए ग्राइंड कर लिया है, बहुत ही फाइन पाउडर इसका तैयार हो गया है। जिस कप से हमने चावल लिए थे उसी कप से हम पानी डालेंगे। तो पहले एक कप पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी हम दो और डालेंगे। तो दो कप मैंने और पानी डाला है तो एक पतला सा घोल बन गया है। आप देख सकते हैं कितना पतला हमें चाहिए। एक टीस्पून डालेंगे इसमें साबुत जीरा, एक टीस्पून काली मिर्च पाउडर, एक टीस्पून जीरा पाउडर और एक टीस्पून लिया है मैंने चिल्ली फ्लेक्स। स्वाद अनुसार इसमें डालेंगे नमक और एक चम्मच डालेंगे हम देसी घी का। तो देसी घी मैंने टीस्पून का इस्तेमाल किया है। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। पहले फ्राई पैन को रखेंगे गैस पे, फ्लेम रखेंगे लो टू मीडियम। समा चावल को पहले हम घोल को थिक करेंगे। ये आधा कप मैंने साबूदाने लिए हैं, 5 घंटे इसको मैंने भिगो दिया था, पानी निकाल दिया है साबूदाने का। तो समा चावल का बैटर थिक हो गया है। अब इसमें हम पानी साबूदाने का निचोड़ के और साबूदाने मिक्स करेंगे। तो लीजिए चावल में हमने साबूदाने मिक्स कर लिए, थोड़ा बैटर सॉफ्ट हो गया है। तो इसको हम चलाते चलाते थिक करेंगे। तो देखिए हो रहा है ना बैटर थिक। अब लेंगे दो उबले हुए आलू, वो भी कद्दूकस करके हम डालेंगे। तो लीजिए दो आलू भी कद्दूकस करके हमने डाल लिए। अब बैटर को लगातार चलाते हुए हम थिक करेंगे ताकि एक बढ़िया सा डो बन जाए। तो लो टू मीडियम पे हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो लीजिए बैटर भी बढ़िया तरीके से थिक हो गया, थोड़ा ठंडा करेंगे। जब तक बैटर हल्का सा ठंडा होता है तब तक हम लेते हैं थाली और थाली वाले पीछे भाग पे लगाएंगे हम कुकिंग ऑयल और बैटर को फैलाएंगे। तो बैटर को फैलाने से पहले इसके ऊपर हम लगाएंगे हरे धनिया, ताकि हरे धनिया इसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाएं। जब इसके हम पीसेस काटें तो धनिया निकले ना, तो हाथों से इसको दबाते जाएंगे तो धनिया भी सेट हो जाएंगे। तो थोड़े धनिया मैं कटोरी से सेट करती हूँ क्योंकि बैटर अभी भी थोड़ा गर्म है। तो लीजिए कटोरी से भी हमने हरे धनिया सेट कर लिए। अब इसको किनारे से चम्मच से किनारे से दबाते जाएंगे ताकि इसकी शेप गोल हो जाए और देखने में बहुत बढ़िया लगे। तो देखिए पूरी गोल शेप में भी आ गया और ठंडा भी हो गया। अब इसके हम पीसेस काटेंगे। तो पहले इसके मैं 4 पीस करती हूँ। पीसेस आप मनचाहे आकार में काट सकते हैं। तो पहले मैंने 4 पीस काटे, अब उसके भी मैं छोटे छोटे पीस कर रही हूँ। तो लीजिए पीसेस हमने छोटे छोटे कर लिए, जैसे कटलेट के पीस होते हैं ना उसी टाइप के मैंने मोटे पीस रखे हैं इसमें, करीब 1/2 इंच मोटे हैं। तो लीजिए सारे कटलेट हम निकाल लेते हैं प्लेट में। अब इसको हम करेंगे शेलो फ्राई। तो गैस पे रखेंगे फ्राई पैन, 2 से 3 चम्मच डालेंगे कुकिंग ऑयल के और जो कटलेट के हमने पीस काट के रखे हैं वो डालेंगे फ्राई पैन में
और साइडें चेंज करते हुए हम क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई करेंगे। तो 2 से 3 चम्मच में हमारे ये सारे कटलेट फ्राई हो जाएंगे। हमें ज़्यादा तेल की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही कम तेल में ये 2 से 3 चम्मच तेल में बनकर नाश्ता तैयार हो जाएगा और आपको खाने में बहुत ही स्वाद देगा। व्रत में हम लोग ज़्यादातर कूटू की पूड़ियाँ खाते हैं या रोज़ रोज़ साबूदाना खा के बोर हो जाते हैं, तो ये फलाहार की बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी और नई सी रेसिपी है। तो लीजिए, कटलेट भी हमारे फ्राई हो गए, निकाल लेते हैं प्लेट में। अभी थोड़ा सा तेल इसमें और बचा हुआ है, तो बचे हुए जो कटलेट हैं वो भी हम इसी तरीके से शैलो फ्राई करेंगे। सारे कटलेट फ्राई हम करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे और साइड चेंज करते जाएंगे और क्रिस्पी होने तक हम फ्राई करेंगे। तो लीजिए, ये भी कटलेट क्रिस्पी होने तक फ्राई हो गए, इसको भी सर्व कर लेते हैं। अब गैस की फ्लेम हम बंद करेंगे और सारे कटलेट हम निकाल लेंगे। तो देखिए, अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी। मैं आपको एक और तोड़ के दिखाती हूँ। मैंने आपको 2 कटलेट तोड़ के दिखाए हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं और ऊपर से क्रिस्पी हैं। तो एक प्लेट में इसको सर्व करेंगे हम। आप इसको जैसे चाहें खाएं, मैंने इसको नारियल की चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसको हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो है ना मज़ेदार सा बढ़िया नाश्ता फलाहार का। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे के चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई से नई रेसिपी के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।